दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिव, ये हमेशा एक्टिव रहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट अगर बन गया है तो हमेशा उसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकलती रहेंगी और साउथ में एंटर होती रहेंगी, तो ये हमेशा ये चलता रहेगा, ठीक है, ऑलवेज एक्टिव प्रोसीजर है ये। नोर से आप इनकी देख सकते हो डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं और जो लाइक पोल्स हैं वो रिपल कर रही हैं। देखो ये रिपल कर रहे हैं, जैसे साउथ साउथ के पास आता है तो वो रिपल होता है और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और आप इसके बारे में तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि हमेशा अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो रिपल करते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा क्यों करते हैं तो जरा इसको देखिए, ऐसा ये क्यों करते हैं, अपोजिट पोल रिपल क्यों करते हैं, सॉरी अपोजिट पोल अट्रैक्ट क्यों करते हैं और सिमिलर पोल रिपल क्यों करते हैं, तो जरा इसको देखिए। मैग्नेटिक लाइंस जब हमने नोटिस होता है तो हमें पता लगता है कि पोल के पास हमेशा मैग्नेटिक लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ये सबसे कम होती है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। आपको समझ में आ रहा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ जो बहुत मुश्किल है, आज तो पूरा क्या मूवी पिक्चर चल रही है, पिक्चर देख लो आज तो आप, वेब सीरीज एपिसोड 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। अब देखा गया कैसे ये चीज तो आपने भी बचपन में किया होगा, या बचपन में किया नहीं होगा तो किताबों में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट के ऊपर आयरन का पाउडर फेंकते हैं, और आयरन का पाउडर फेंकने पर हमें क्या पता लगता है कि जब हमने इसमें आयरन का पाउडर फेंका तो हमें पता लगा कि उस आयरन के पाउडर में जो आयरन का जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन से ही हमने ये देख लिया, क्या कि नोर से निकल रही है, देखो ऊपर उठ रही है, नोर से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, उनके डायरेक्शन से ही हमने देख लिया, दिखा नहीं बट हमने देख लिया कि ये लाइंस होंगी कैसे। अब हम पेपर पर इसको ड्रॉ करते हैं, और अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो बात होती है भाई। साउथ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ में एंटर करेंगी, साउथ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ में एंटर करेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि इधर जो साउथ से मैग्नेटिक, देखो नॉर्थ से, साउथ से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं, तो जब यहां पर जब एंट्री होती है ना, यहां पर जब यहां से देखो कोई लाइन निकली है, यहां से सपोज कोई लाइन निकली है और वो यहां जा रही है, तो बताओ उसके लिए नजदीक कौन है, ये है या ये है। नोर से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, साउथ में जाके एंटर कर रही हैं, तो उसके लिए साउथ तो ये वाला भी है, कर तो इसमें भी सकती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उधर भी जाके कर सकती है, बट जो नजदीक होगा उसमें पहले करेगी ना भाई, जो नॉर्थ से निकलेंगी तो ये तो साउथ यहाँ पे नजदीक है, इसका खुद का साउथ नजदीक है, और यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी वो अपने इधर साउथ में एंटर करेंगी। तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलकर जब ऐसे एंटर करती हैं, तो इनका जो फ्लो होता है वो इस तरीके से कोलाइड करता है कि एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं, आप देख सकते हो। अब दूसरा है कि एक दूसरे को अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, जरा देखिए, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, बट अगर इस नॉर्थ को जो साउथ उधर ना मिलके इधर ही मिल जाए तो क्या इसको घूम के जाना पड़ेगा, क्या इसको घूम के जाना पड़ेगा, नहीं, फिर इसको घूम के जाने की नीड है ही नहीं। अगर ये नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, अगर इसका साउथ सामने ही पड़ा है तो ये बोलेगा कि भाई जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी वो सबसे पहले इधर भेजेगा, इधर जाएंगी बहुत कम, इस कारण से इनमें कपलिंग हो जाती है और ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होता है वो सेटअप हमेशा अपोजिट पोल के कारण होता है, सिमिलर पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता। आप कहोगे कि सर कैसे, ये देखो अगर मैं आपको ये बताऊं, ये देखो क्या अंदर कोई फ्लक्स बना, अंदर तो कुछ नहीं बना, कोई सेटअप नहीं हुआ, लेकिन अपोजिट में देखो सेटअप हो गया, अपोजिट में सेटअप हो गया, ये पूरा का पूरा फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा होता है, इसीलिए हम हमेशा मशीन्स के अंदर अल्टरनेटिव पोल यूज करते हैं, अल्टरनेटिव पोलारिटी का हम उसके अंदर पोल यूज करते हैं, नॉर्थ साउथ इस तरीके से करते हैं ताकि उसमें जो फील्ड है वो सेटअप हो पाए, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तब जाके सेटअप हो पाएगा।
अगर इधर और इधर साउथ करेंगे तो अंदर खाली होगा, सेटअप नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अब दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां पे जिस फैक्ट्री में बन गया बन गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे? अच्छा आप कह रहे हो कि अच्छा पूरा दिख गया। अरे अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। मैंने आपको कहा था ना कि जब मशीन आएंगी तो वो मशीन यूनिक होगी पूरे इंडिया में। कंपेयर कर लेना पूरे इंडिया में, जहां पर भी जो भी इंस्टीट्यूट का जो भी कोर्स चल रहा है, इतना एफर्ट नहीं होगा कहीं पर जितना बेसिक से पढ़ाई। बाकी स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो कितनी प्रिपरेशन अपनी अपने लेवल पे करता है। बाकी कंटेंट के लेवल पर उतनी तैयारी से आऊंगा कि चैलेंज कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा है करंट फ्लो थ्रू द वायर, कि करंट है वो इस तरीके से फ्लो करता है, हमने ये मान ही लिया। करंट फ्लो थ्रू द वायर, जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो उसके जो चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है इस वायर में। जब करंट ऐसे जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। तो आप कहोगे सर ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे नहीं होता है, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब किसी वायर में करंट कैरी वो कैरी करता है तो इसके सराउंडिंग में फ्लक्स बनता है, जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें बनता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये पता कैसे लगा? ये पता कैसे लगा? हम नॉर्मली हमने क्या किया कि भाई एक वायर के अंदर एक कॉपर वायर हमने लिया, उसमें करंट फ्लो करवाया और छोटे छोटे मैग्नेट्स जो आप शायद आपने की चैन्स में देखे होंगे, वो मैग्नेट्स छोटे छोटे मैग्नेट्स मैग्नेट नहीं कंपास, वो छोटे छोटे कंपास उसके चारों तरफ रख दिए, फिर इसमें करंट फ्लो करवाई, फिर देखा कि कंपास की जो नीडल है वो घूमती कैसे है। इतना तो आप भी कर सकते हो घर पे ये एक्सपेरिमेंट। तो ये कंपास है। दूसरा देखो एक पेपर लिया है, इस पेपर में देखो एक ये मतलब इसमें करंट फ्लो करवा रहा है, ये देखो ये कंपास रखी हुई है, ये एक्चुअली में देखो करके दिखा रहा है, ये कंपास रखी हुई है, करंट कन्वेंशनल करंट है। तो देखो जैसे ही इसमें करंट ऊपर की तरफ गया तो देखो ये मैग्नेट्स कैसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके हो रही हैं। जब डायरेक्शन बदला तो अब उल्टा हो गया। तो बस यहीं से ही हमें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज कैरी मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग सराउंड, आप बैटरी हटाओगे तो फ्लक्स भी हट जाएगा, ये चीज़ हमने देखा जाता है, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि भाई ऐसे वायर में ऐसे करंट बनता है। अब हमने इसके टर्न्स बना दिए, टर्न्स। अब ये देखो ये टर्न्स का आइडिया मैं आपको पहले दे चुका था कि फैराडे ने जो अपना सेकंड लॉ दिया उसमें इसने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। फ्लक्स लिंकेज होता है N5, वो उसने बोला कि dN5/dt होता है, दैट इज ND5/dt होता है। अब उसको टर्न का आइडिया कहां से आया कि भाई टर्न बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ जाता है, टर्न बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब टर्न बढ़ाने से फिर फ्लक्स भी मल्टीप्लाई होता है। देखिए कैसे फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ता है। अब जब मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो देखो जब करंट ऐसे जाएगा, मतलब ये ऐसे है, ऊपर वाले पॉइंट्स में करंट अगर ऐसे ऐसे बनेगा, सब में जो फ्लक्स है इन पॉइंट्स में ऐसे ऐसे बनेगा और इसमें ऐसे ऐसे बनेगा, इन छोटे छोटे टर्न वाले पॉइंट पर जो करंट है वो इस तरीके से बन जाएगा, जो करंट जो सॉरी फ्लक्स जो है वो इस तरीके से एक ही नेचर का बनेगा, एक ही तरफ क्लॉकवाइज टाइप का बनेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज टाइप का बनेगा। तो हम इनको पूरा कंबाइनली जोड़ सकते हैं। ये देखो ये पूरा कंबाइन जुड़ गया, ये पूरा कंबाइन जुड़ गया। इसी तरीके से फिर हमारे दिमाग में कंसेप्ट आ गया वाइंडिंग का कंसेप्ट आया कि भाई वाइंडिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर। हम वाइंडिंग्स का जो खेल है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे अगर हम बात करें, ये तो आगे वर्किंग आ जाता है। वर्किंग के बाद में आगे थोड़ा सा और है, ये भी आप देख लीजिए। ये ऐसी इस तरह की मशीन आपने जरूर देखी होगी, इस तरह की मशीन है, इस तरह की मोटर है, वो आपने जरूर देखी होगी, डेफिनेटली आपने इस तरह की मशीन आपने देखी होगी। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर ये देखो ब्रशेस और यहाँ पर देखो ये रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेशन ये चल रहा है। काम कैसा करता है ये, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे भी। ये पूरा डिटेल में वर्किंग है, ठीक है, पूरा आगे डिटेल वर्किंग है जिसमें कैसे कैसे वाइंडिंग होती है, कैसे कैसे। ये देखो ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर, ये तो ये थिक है, थिक नहीं लेमिनेशन होना चाहिए, थिक होगा आर्मेचर का कोर, थिक होगा तो देखो एडी करंट बनेगा, इसमें एडी करंट बनेगा,
ऐसे, लेकिन हम थिक रखते नहीं है, हम इसको शीट्स में, सिंगल शीट्स में कटिंग करेंगे इसकी, ताकि जो ये छोटे छोटे करंट्स हैं ये ना बने, ये छोटे छोटे करंट ना बने। इसके लिए ये देखो, ये शीट्स में कट कर दिया, तो अभी देखो छोटे करंट बड़ा ही करंट का लो बन रहा है, करंट जो है वो बड़ा ही पाथ ले रहा है। बात समझ में आई? अब आगे ये कनेक्शंस कैसे होता है, ये कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर से जो ये फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं, ये कम्यूटेटर का हिस्सा है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है इस कम्यूटेटर के पार्ट से कैसे कनेक्टेड होती है, जैसे कि सपोज अगर ये वायर है इसको कनेक्ट करना है तो ये ऐसे जाके इस सीधा टर्मिनल से जुड़ जाएगी, ठीक है, ये S1 हो गया, आगे इसको मैं समझाऊंगा, ये इससे जुड़ जाएगी ऐसे करके। बात समझ में आई क्या नहीं आई, भले बताइए। जो परमानेंट मैग्नेट मैंने आपको बताया था, पोल बनाया था, वो सीधा नहीं होता, वो हल्का से बेंड होता है, बेंड बेंड होने से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस पूरी कोर की तरफ इंटेंस हो जाती हैं, सीधा होगा तो ऊपर भी होंगी, हम चाहते हैं कि जो फ्लक्स है वो पूरा, जो बिचोला है वो पूरी तरीके से कोर को अटैक करे, जो बिचोला है वो पूरी तरीके से कोर को अटैक करे, इसे ऐसे बेंड कर देते हैं ताकि फ्लक्स पूरी तरीके से आर्मेचर के कोर को, आर्मेचर की वाइंडिंग को लिंक करे, इस तरीके, इसलिए बेंडिंग, बेंड प्रोसेस होता है, बेंड प्रोसेस इसीलिए होता है। तो अगर हम इस साल के गेट के रैंकर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेट 2023 में जो टॉप 100 के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो स्टूडेंट जो रैंक लेकर आई हैं। सेकंड अगर हम देखें, अभियान एकेडमी पर ऑल स्टार जो बैच है वो 30 जून को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है सुजय सर ने, जो टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैच जी है, और फाउंडेशन बैच जो है वो 16 जून को स्टार्ट हुआ है, और ये इसमें विशाल सोनी सर ने सिग्नल स्टार्ट किया है और नेटवर्क चोरी स्टार्ट किया है आदित्य कनवाल सर ने, टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इंग्लिश में बैचेज है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल रहेगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपके लिए ये वाला बैच कन्वीनियंट रहेगा। सेम ये ईसी के लिए है तो सेम ऐसा इलेक्ट्रिकल के लिए भी होगा, तो मतलब कंबाइन है, ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों के स्टूडेंट इस बैच में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको डिफरेंट बुक्स प्रोवाइड करी जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ईसी की बुक्स हैं, और अगर हम बात करें नेक्स्ट डबली की तो ये बुक्स हैं डबली की, आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। सेकंड अगर हम बात करें तो इस साल गेट का ऑफलाइन जो सेंटर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बैचेस की बात करें तो ऑफलाइन में पहले एक बैच स्टार्ट हुआ था और अभी एक 19 जून को एक बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हाँ, या अपना कॉल शेड्यूल करवा सकते हो, आपको पूरा जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्या ऑफर चल रहा है प्रेजेंट के अंदर सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो प्रेजेंट में जो भी ऑफर अवेलेबल है, जो भी ऑफर चल रहा होगा, फाइनल सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको लास्ट में यहाँ पर इस जगह पर एक स्मॉल सा बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड अप्लाई करना है, जो रेफरल कोड रहेगा वो रहेगा GA1111, तो GA1111 ये रेफरल कोड रहेगा, ये कोड आप अप्लाई कर दोगे तो जो भी प्रेजेंट में ऑफर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये कोड आपकी ऑफलाइन के लिए भी वैलिड रहेगा, ठीक है। ये गेट अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। एंड सेकेंड इज दिस कोड, बेनिफिट्स ऑफ GA1111 कोड, ठीक है। थैंक यू।